गुड आफ्टरनून एट्थ क्लास, शुभ मध्याह्नम। एट्थ क्लास हम लोग अपना षष्ठ पाठ औषधि परिचय पढ़ रहे थे, जिस पाठ को पढ़ करके हमने अर्थ को लिखा। अब हमारे थे अभ्यास क्वेश्चन, जो मैंने आपको समझा दिए थे, ध्यान से सुनेंगे, समझा दिए थे। जिसके समझ में नहीं आया है क्वेश्चन आंसर, आज मैं दोबारा से उन क्वेश्चन आंसर को दोबारा से वीडियो बना रही हूँ और दोबारा आपको समझा रही हूँ सारे क्वेश्चन आंसर। जिन बच्चों का काम छूटा है वो इस वीडियो को देख करके, इस पाठ का काम जिसका छूटा है षष्ठ पाठ का, इस वीडियो को देख करके, मैंने आपको काम भी भेजा है, इस वीडियो को देख करके नहीं आया है समझ में, तो आज समझ में आ जाएगा, तो आप अपनी कॉपी में इस कार्य को कर लेंगे। मैं दोबारा से समझा रही हूँ आपको। पहला हमारा क्वेश्चन था उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। पहला था आद्रकम क्षुधावर्धकम सन्निधम तम प्रतिशायय प्रतिशायै मंडुकपर्णी आद्रभूम्याम मस्तिष्केश मस्तिष्क रोगेश च्यवनप्राशः कृमिघ्ना मांगलिक कार्येश। ठीक है, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा मैंने आपको बताया था उचितम पदम चित्वा पूर्यत, उचित पद को चुन करके पूर्ति कीजिए। ठीक है, पहला है आद्रकम, अदरक कब काम आता है, ठंडियों में, तो क्या लिखना था, शीत ऋतो हितकरम भवति डॉट डॉट वाटिकासु गेहे गेहे च भवति। तुलसी सबके घर घर में होती है, सबकी वाटिकाओं में होती है ना, तो वाटिकाशु गेहे गेहे च भवति। ब्राह्मी स्मरण शक्ति वर्धयति, बढ़ाती है, जो हमारे ब्राह्मी होती है वो हमारे स्मरण अर्थात याद करने की शक्ति को क्या करती हैं, बढ़ाती है। अगला है आमलके डॉट डॉट सर्वाधिकम मिलति, आंवले फल में जो आंवला है उसमें विटामिन सी आता है सर्वाधिक मात्रा में, क्या है, मिलता है, तो यहाँ पे विटामिन सी आना था। अगला दूसरा क्वेश्चन था हमारा उत्तराणि लिखत, जो मैंने आपको बताया तुलसिया अन्यानि नामानि कानि सन्ति, तुलसी के अन्य नाम कौन से हैं, कौन कौन हैं, बिंदा सुगंधा अमृता पत्रपुष्पा च सन्ति। मैंने बताया था बिंदा सुगंधा अमृता पत्रपुष्पा च सन्ति, तुलसिया अन्यानि नामानि, इस प्रकार लिखना था। दूसरा था क्वेश्चन त्रिदोषनाशकम किमस्ति, त्रिदोषनाशकम क्या है, तो आम्लक फलम, ठीक है, आम्लकम, त्रिदोषनाशकम आम्लकम अस्ति आना था। ठीक है, अगला था केन बिना भोजनम पीतवर्णम न भवति, किसके बिना भोजन पीले वर्ण का नहीं होता है, तो हरिद्राम बिना भोजनम पीतवर्णम न भवति, हल्दी के बिना भोजन पीले वर्ण का नहीं होता है। अगला था मधुमेह रोगे किम हितकरम भवति, मधुमेह रोगम क्या हितकर होता है, तो मधुमेह रोगे विल्व फलानि हितकरम भवति। ठीक है, अगला था हमारा अधोलिखित पदान उपसर्गान पृथक्यत, ठीक है, जो अधोलिखित पद दिए गए हैं इसमें से उपसर्ग को पृथक करना है, 22 जो उपसर्ग होते हैं हमारे, उनमें से जो उपसर्ग आए हैं पृथक करना है। पहला था उद्भवति यथार्था, जैसे मैं आपको समझाया है उद्धन भवति, उद हमारा उपसर्ग है, भवति हमारी धातु होगी। ठीक है, फिर है प्रयोगम, हमने प्र उपसर्ग को अलग कर दिया और योगम यहाँ लिख दिया, यह हमने उपसर्ग अलग कर रही। ठीक है, उपयोगम उप उपसर्ग है, योगम अलग हो गया। उपवनेशु, ठीक है, उप हमारा उपसर्ग है, वनेशु हमने अलग कर दिया शब्द को। ठीक है, विशेषता भी हमारा उपसर्ग है, शेषता हमने अलग कर दी। ठीक है, धातु के यहाँ अगला था हमारा अधोलिखित पदानाम लिंग विभक्तिम वचनम च लिखत, जो पद दिए गए थे इसमें से हमने इनमें से लिंग विभक्ति और वचन को अलग करना था। मैंने बताया आपको पहला, जैसे आपको समझाया था आद्रकस्य नपुंसक लिंग था, अद्रक नपुंसक लिंग है, षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है। जब हम बालक शब्द पढ़ते हैं या अन्य शब्द पढ़ते हैं, आपको पता है कस्य कहाँ पे आता है। वाटिकाशु स्त्रीलिंग है, सप्तमी विभक्ति है, बहुवचन है। ठीक है, वृक्षा पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति है वृक्षा और बहुवचन है। ठीक है, सेवनेन नपुंसक लिंग है, तृतीय विभक्ति है, एक वचन है। जिस प्रकार हम फल शब्द पढ़ते हैं, पुष्प शब्द पढ़ते हैं, तृतीय में हमारा पुष्पेण फलेन आता है, उसी प्रकार सेवनेन भी चलेगा। अश्माकम है, हमारा पुल्लिंग शब्द है, षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है।
ठीक है, ये था हमारा पांचवा क्वेश्चन। छठा मैंने आपको बताया था, उचित मेलनम कुरुत, उचित मेलन कीजिए, अर्थात जहाँ जिसका मेल है वहाँ पे आपको सामने से लिखना था। मैंने कहा था काट फाट नहीं करना। तो पहला था हरिद्रा, तो हल्दी कृमिना कीटाणुओं को क्या करती है, मारती है, दूर करती है कीटाणुओं को। फिर था आर्द्रकम, ये हमारा शीत ऋतु में कार्य आता था, है ना, आता है। फिर था तुलसी, जिसको हम चाय में भी डालते हैं, चाय पाने आना था। फिर था हमारा ब्राह्मी, जो हमारी स्मरण शक्ति को क्या करती है, बढ़ाती है। अगला था आम्लकम, जिसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है ना। फिर था बिल्वम, बिल्व को हमारा सोत हरम, ठीक है, सोत जो होता है उसको क्या हरता है, हरता है बिल्व फल, ठीक हो गया। तो मैंने आपको दो बार क्वेश्चन आंसर आप दो बार समझा दिए हैं। पहला उच्चारण कुरुत, दूसरा उचित पदम चित्वापूर्यत, तीसरा उत्तराणि लिखत, चौथा अधोलिखित पदान उपसर्गान पृथक्यत, ठीक है। फिर पांचवा हमारा लिंग विभक्ति वचन को लिखना था। फिर हमारा था उचित मेलन, ठीक है। तो मैंने आपको दो बार समझा दिए, आज मैंने रिवीजन करा दिया है इस चैप्टर का आपको, तो आपका जिसका भी छूटा है काम तो आप काम कर लोगे।